नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने सड़कों के किनारे हुए अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि नगर निगम परिक्षेत्र को ठेला खोमचा मुक्त बनाने के बारी बारी से नो वेंडर जोन घोषित किया जाएगा। जिन सड़कों नो वेंडर जोन घोषित कर दिया गया है, दोबारा उन सड़कों पर अवैध तरीके से लगने वाले ठेला खोमचा वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजघाट पुल में आजाद चौक तक सड़क के दोनों तरफ कोई भी ठेला खोमचा नहीं लगेगा। ट्रांसपोर्ट नगर चौकी के पीछे बनाए गए दुकानों में स्थायी पर 280 वेंडरों को शिफ्ट किया जाएगा, जिससे रोड पर जाम की समस्या से निजात मिल सके। आमतौर पर रोड पर जाम की समस्या ठेला खमचा से ही होती है। नगर आयुक्त ने कहा कि जिन ठेला खमचा वाले दुकानों में शिफ्ट किया जाएगा, उनको बार कोड उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसे समय समय पर जांच किया जाएगा। जांच के दौरान कोई अवैध तरीके से दुकान लगाए हुए पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इस अवसर पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, डूडा पीओ विकास सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। क्रेन्स के संचालन का सर क्या चल रहा है सर? नहीं, क्रेन्स को हमने अभी टेंपरेरीली से रोक रहे, काफी शिकायतें आ रही थी। हाँ, शिकायतें आ रही थी। अब केवल क्रेन हम इसलिए यूज करेंगे कि अगर कोई गाड़ी इसमें खड़ी रहे, वो यहाँ से उठा के सीधा हमारी मल्टी लेवल पार्किंग में चला जाए। बस मतलब हम करेंगे दुकान के सामने है और उस वहाँ से उठा के हम सीधा मल्टी लेवल कार पार्किंग में लेके चले जाए। हमारा सर इसमें एक कंसर्न है, हम टेंडर करेंगे और फिर हम उसको मूव करेंगे, लेकिन इसका यूज जो होगा वोल्टर वाली जो पार्किंग है, इस सबको मल्टी लेवल पार्किंग के शुरू करने के लिए फ्लोर्स में और वहाँ कलेक्ट्रेट वाले चौराहे कचहरी चौराहे से लेकर यहाँ सुगंध तक ये वाला रोड है, इसको हमें नो पार्किंग जोन, यहाँ पर कोई पार्किंग नहीं होगी। तो इनके एसोसिएट वालों से बात हुई है कि दुकानदार की जिम्मेदारी होगी, जिसके सामने जो गाड़ी रहेगी उसी पे हम पेनल्टी लगाएंगे।